धनबाद जिले में 2 से लेकर 5 अक्टूबर तक नई यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। यातायात विभाग ने नया रूट चार्ट जारी कर दिया है। शहरी क्षेत्र में दोपहर 1 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक यात्री बसों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके अलावा किन किन थाना क्षेत्रों में कहां पार्किंग की व्यवस्था की गई है, इसका भी चार्ट जारी किया गया है। श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वो इस रूट चार्ट को हर हाल में पालन करें, जिससे कि लोगों को असुविधा नहीं हो। आपको बता दें कि 2 सालों के बाद इस वर्ष पूजा में छूट मिलने के कारण भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन चौकसी के साथ रूट चार्ट तैयार किया गया है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया गया है। सरायढीला थाना क्षेत्र सरायढीला थाना मोड़ से स्टील गेट की तरफ 4 पहिया वाहन और सार्वजनिक सवारी वाहन का परिचालन बंद रहेगा। सरायढीला थाना मोड़ से सभी प्रकार के वाहन PMCH के बगल से कोयला नगर की तरफ निकलेंगे। गोल बिल्डिंग की तरफ से आने वाले सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन कोला कुसमा तक ही रहेगा। धनबाद थाना क्षेत्र झारखंड मैदान पंडाल जाने के लिए स्टेशन रोड मजार होते हुए पंपू तालाब तक वन में रहेगा। धनबाद हीरापुर से वापसी का रास्ता रहेगा। बैंक मोड़ और धनसार थाना क्षेत्र झरिया की तरफ से आने वाले वाहन धनसार चौक हावड़ा मोटर होते हुए मनाई टाड़ और पुराना बाजार पूजा पंडाल जाएंगे। वहीं मटकुरिया की तरफ से छोटे वाहनों के आने वाले श्रद्धालु नई दिल्ली मोड़ धनसार चौक हावड़ा मोटर होते हुए मनाई टाड़ पूजा पंडाल और पुराना बाजार पूजा पंडाल की ओर जाएंगे। मनाई टाड़ गोल्ड बिल्डिंग से प्रसादी साव के पूजा पंडाल तक नो एंट्री। वहीं हावड़ा मोटर से मनाई टाड़ की ओर जाने वाले गाड़ी प्रसादी साव के पूजा पंडाल होते हुए तेल डिपो होकर बरमसिया रोड होते हुए जाएगी। टेलीफोन एक्सचेंज मोड़ से पानी टंकी हावड़ा मोटर तक नो एंट्री रहेगी। आरा मोड़ पुल के नीचे झारखंड मोड़ से जाने वाले रास्ते में शाम 3 बजे से सुबह 5 बजे तक गाड़ियां नहीं घुसेगी। धनबाद से भूली जाने वाली गाड़ी सुभाष चौक से होते हुए पुल के नीचे से वासेपुर होते हुए भूली जाएगी। सिंदरी से पुटकी की ओर जाने वाले भारी वाहनों का गौशाला ओपी के पास नो एंट्री रहेगा। बोकारो से धनबाद की ओर जाने वाले भारी वाहनों का प्रवेश दिनावली स्कूल गेट के आगे नो एंट्री रहेगा। पुटकी से सिंदरी की ओर जाने वाले भारी वाहन आबो देवी पेट्रोल पंप के बाद नो एंट्री रहेगा। झरिया थाना धनसार से कतरास मोड़ तक भारी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। केंदुआडी से कतरास मोड़ तक भारी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। शहरी क्षेत्र में मालवाहक भारी वाहनों के प्रवेश पर 24 घंटे पाबंदी रहेगी। कतरास थाना क्षेत्र भट्ट मुंडना से आने वाले वाहन सामुदायिक भवन होते हुए गुही बांध बस स्टैंड भगत सिंह चौक होते हुए धनबाद की ओर जाएगी। भगत सिंह चौक से आने वाले वाहन सामुदायिक भवन मालकेरा जोगता होते हुए धनबाद जाएंगे। धनबाद से आने वाले वाहन छाताबाद होते हुए भट्ट मुंडना की ओर जाएंगे। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।